नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान है नीतीश में। अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस बेल के आइकन पर भी दबा दे ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम अपनी ब्लॉग वेबसाइट में जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन का जो दिख रहा है इसे हम कैसे इनेबल करते हैं ताकि हम अपने चैनल पर जो भी अपडेटेड डालें, जो भी कुछ अपलोड करें तो उसका जानकारी आपको कैसे मेल के माध्यम से मिले। सब्सक्राइब का क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जैसे ही कुछ अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, थैंक्स टू सब्सक्राइबिंग का ऑप्शन आ जाएगा। इंग्लिश एंड हिंदी टीचिंग ट्रिक फॉर फ्री, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद फिर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए वो कैसे हम करेंगे अपनी वेबसाइट में ब्लॉग में वो बता रहे हैं। देखिए मैंने इस वेबसाइट में नहीं लगाया तो इसी वेबसाइट में चलिए एक बार रिफ्रेश कर दे आप लोगों की तसल्ली के लिए और वो करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें चलना है न्यू गूगल में, इस ब्राउजर में खोलना है, ओपन करना है। इस वेबसाइट का नाम वन सिग्नल आपको सिंपली टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे जो पहली वेबसाइट खुल के आएगी वो है onesignal.com। ठीक है, इसका पैड और फ्री दोनों वर्जन है, बट आप फ्री वाला यूज करिए, फ्री वाला भी अच्छी है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस वेबसाइट का कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले इसमें हमें साइन अप करके लॉग इन होना पड़ेगा। लॉग इन होने के लिए यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप फेसबुक है तो फेसबुक से भी कर सकते हैं, गूगल यूजिंग इस सबसे कभी कर सकते हैं। सिंपली हमें अपना ईमेल आईडी डालना है तो ईमेल आईडी के लिए हम अपना ईमेल आईडी डालते हैं। और यहाँ पे पासवर्ड इसका चूज कर लेना है, फिर वही पासवर्ड यहाँ पर सिंपली डाल करके हमें कंफर्म करना है। और यहाँ पे आई एग्री करके यहाँ पे हमें क्रिएट अकाउंट पे दबा देना है। देखिए कंफर्म योर मेल का ऑप्शन आएगा, आपके मेल पर एक लिंक गया होगा, वहां से आप क्लिक करके अपने मेल को कंफर्म कर लीजिए। तो चलिए हम अपना जीमेल लॉगिन करते हैं और हमें यहाँ से जो मेल आया है उसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो अभी यह देख लेते हैं हमारे शायद स्पैम में आया हो, स्पैम में क्लिक किया तो अभी हमारा स्पैम नहीं आया। एक बार फिर से हम रिफ्रेश कर लेते हैं अपना होम मेनू, शायद फिर से आ जाए। तो नहीं आया, अभी भी नहीं आया। इधर चेक कर लेते हैं शायद इधर आ जाए। नहीं लगा तो चलिए हम फेसबुक से ही करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तब मैं उस कंडीशन को मैंने एग्री किया, इधर लॉगिन किया, कंटिन्यू एज पे मैंने क्लिक किया। फेसबुक अपना लॉगिन करके रखना है पहले से, एक बार देख ले शायद आ जाए, क्योंकि लेट ले रहा है, आपकी पता नहीं क्यों ले रहा है। अगर आपका ईमेल से कंफर्म हो जाए तो ईमेल से ही आप कर लीजिएगा, बट मैं फेसबुक से ही करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे वेलकम टू वन सिग्नल का ऑप्शन आ रहा है। अब इधर हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमारा जो पहला ऑप्शन आएगा वो लिखेगा ऐड ए न्यू ऐप का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डाल देना है अपने ऐप का नेम। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं अपने ऐप का नेम ज्ञान हिंदी टिप्स। सिंपली करने के बाद हमें क्रिएट पर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, तो हमें इसमें से जो तीन नंबर ऑप्शन है बे पुश इस पर क्लिक कर लेना है और सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पर दबा देना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर दबाने के बाद चूज इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन एक आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है वर्डप्रेस प्लगइन वेबसाइट पर, इस पर हमें क्लिक करना है और ब्लॉग की वेबसाइट में डालना है तो हम ब्लॉगर पे चूज करना है। ब्लॉगर पे चूज करने के बाद यहाँ पे कुछ आपको फिल करनी होगी। फिल करने में क्या क्या फिल करने है, यहाँ पे माई वेबसाइट अपने वेबसाइट का नाम डाल लीजिए। चलिए हम डाल देते हैं यहाँ पे ज्ञान हिंदी टिप्स, मैंने इसे डाल दिया। उसके बाद अपने साइट के यहाँ पे यूआरएल यानी कि लिंक डालना है। चलिए हम अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी किया और इधर आकर के इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे चूज ए लेबल, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। ठीक है,
डिफॉल्ट रहने के बाद उसके बाद नीचे आना है, परमिशन प्रमोट सेटअप का जो ऑप्शन है इस पर ऐड ए प्रमोट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर कुछ नहीं, सिंपली हमें क्या करना है इसको ऐसे ही रहने देना है और सिंपली इधर सेव का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यह हमारा हो गया, सब्सक्रिप्शन बिल एक्टिवेट हो गया। अब हमें इसे ही रहने देना है और बाय द वे नीचे आना है। नीचे आने के बाद सिंपली यहाँ पर सेव का जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारा कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर कॉपी कोड का जो ऑप्शन आ रहा है वो बोला आपको हेड में डालिए, लेकिन हेड में नहीं डालना है, हमें ऐसा स्क्रिप्ट से लेकर के स्क्रिप्ट जो बंद है यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ध्यान रही स्क्रिप्ट जो स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर के यहाँ तक, चलिए एक बार दिखा दे आपको, यहाँ से लेकर के हमें और यहाँ तक जो है उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी नहीं सॉरी वहां से नहीं, ये जो स्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ है यहाँ से लेकर के और स्क्रिप्ट जो बंद हुआ है वहां तक हमें कॉपी करना है। डबल थ्री जो डॉट है इसको छोड़ देना है ऊपर से नीचे सभी, और हेड को भी छोड़ देना है, ठीक है। और इसको सिंपली हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपकी ब्लॉगर को लॉग इन कर लेना है, ब्लॉगर साइट को, और उसके बाद लेआउट के ऑप्शन में हमें क्लिक करना है। लेआउट में जाने के बाद हमें नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है, और इधर ऑप्शन होगा आपको फुटर सेक्शन में विजेट का, ठीक है। तो विजेट में ऐड ए गैजेट पर हम क्लिक करते हैं। ऐड ए गैजेट में क्लिक करने के बाद इधर हमको चार नंबर ऑप्शन होगा एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट का, इस पर हमें प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर कंटेंट वाले जो टाइटल छोड़ देना है, कंटेंट वाले ऑप्शन में हमें सिंपली इस कोड को टूटना कॉपी किया था हमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इधर सेव अरेंजमेंट कर देना है। सेव अरेंजमेंट करने के बाद हम अपने ब्लॉग में आते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद क्या देखेंगे, ये हमारी ब्लॉग वेबसाइट में जो वेल का आइकन था वो आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पे बेल का आइकन आ गया। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमें न्यू पेज में ले जाएगा और यहाँ पे बोलेगा कि आप इसको कंफर्म अलाउ कर दिए, तो हम कंटिन्यू कर देंगे। जैसे अलाउ हम करेंगे तो हम जैसे ही इस ब्लॉग पे कोई पोस्ट आर्टिकल लिखेंगे उसकी जानकारी हमें इसमें हमारे ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे थैंक्स फॉर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ गया। अब अगर हम चाहते हैं कि हम नोटिफिकेशन ना मिले, देखिए इंटरनेट डेटा थैंक्स फॉर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है ना, अगर आप चाहते हैं तो अनसब्सक्राइब भी यहाँ से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। देखिए हमें कुछ टाइम लगा लेकिन फिर ये वन सिग्नल का है यहाँ से भी हमारा आ गया, फिर से यहाँ से एक्टिवेट करके हम कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, मेल या जीमेल, आपको जो भी अच्छा लगता है उसे आप कर लीजिए। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो में कोई कोई दिक्कत होती है कोई इसकी सेटिंग करने में तो आप नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस बेल के आइकन को भी दबा दे। वीडियो में कोई कोई दिक्कत होती है या सेटिंग में कोई दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ब्लॉगर का कोर्स अभी तक आप लोगों ने नहीं किया, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो हमारी ब्लॉगर सीरीज का पार्ट जो है यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाइए और इधर आपको दिख जाएगा ब्लॉगर सीरीज का ऑल बाई ए टू जेड पार्ट, उससे आप फॉलो करके हमारी ब्लॉगिंग का कोर्स जो है ब्लॉग वेबसाइट बनाना सीखे, जो दो नंबर में ऑप्शन दिख रहा है आपको जीरो भी मिले ब्लॉग वेबसाइट बनाना सीखे का, यहाँ पे 13 वीडियो पहले से अपलोडेड है, आप उसे फॉलो करके वन बाई वन ए टू जेड आप ब्लॉगिंग की कोर्स सीख सकते हैं और अच्छे खासे इंटरनेट से पैसा कमा सकते हैं वो भी फ्री में। आशा करते हैं आपकी वीडियो अच्छी लगी। चले मिलते हैं नई वीडियो में, नई जगह, तो याद दीजिए, बाय बाय।